बुधवार को शहर के पश्चिम क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों के नागरिकों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। नागरिकों का कहना है कि उनकी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। नागरिकों के इस आंदोलन में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। नागरिकों ने बताया कि 1 जनवरी 2008 को लागू मास्टर प्लान में क्षेत्र की कुछ कॉलोनी को ग्रीन बेल्ट के रूप में दर्शाया गया है, जबकि वास्तविकता में यहां भारी संख्या में लोग रह रहे हैं। 80% से ज्यादा मकान बने हुए हैं। नागरिकों ने मांग की है कि उक्त सभी कॉलोनी को ग्रीन बेल्ट से बाहर कर इन्हें वैध किया जाए, साथ ही कॉलोनी में नर्मदा जल की लाइन डाली जाए ताकि नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में अपने आप को समर्पित करके काम कर रही है। आज नगर निगम ने चुनाव लड़ा था तो उसका एक मुद्दा था अवैध कॉलोनी। आप देखोगे कि 4 साल हो गए, क्या अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया में एक कदम भी आगे बढ़ा? ये बात एक विपक्ष का विधायक और उसके साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर इस ब्लॉक और इस वार्ड में अगर करते हैं तो अपना धर्म निर्वाह। मैं नगर निगम से निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव में किए हुए वादे आप पूरे करें। सफाई का तमंगा, सफाई को लेकर इंदौर शहर का नाम ऊंचा हो, कांग्रेस पार्टी इसमें सहयोगी है, सकारात्मक। पहले भी इसका उदाहरण हम सब नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पेश किया है। ये तमंगा जनता का है, कर्मचारियों का, नगर निगम के सफाई के सर्वेक्षण में नंबर वन लाने के लिए जितनी उन्होंने अपनी भाव से अंदर से काम किया उसका तमंगा है। पर नगर निगम का काम है सही पानी हो। नर्मदा का पानी 24 घंटे देने की बात हुई थी, दिन में एक बार क्या हुआ? आपने अवैध कॉलोनियों का वेद करने की बात में वोट दिए, क्या हुआ? आपने छोटे ठेले वालों को जो फुटपाथ में दुकान लगाते उनको हटाया, कहां गई वो उनकी रोजगारी, उसके लिए क्या किया? आपने जिस तरीके से जगह जगह अतिक्रमण हटाए 100-100 साल पुराने और उनको मुआवजा नहीं दिया, क्या इसलिए चुना था आपको? ये सब मुद्दे हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना धर्म अदा किया है। मैं हर बार कहता आया हूँ कि हमारे जब जब विपक्ष थोड़ा सा ताकत कम बचती है तब तक मीडिया अपना रोल प्ले करता है, हमारा साथ है। हम आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग, आपकी भावनाओं के साथ मिलकर विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। इसी भाव के साथ सबको धन्यवाद।